हाय, मेरा नाम है रमाकांत बनर्जी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में, जिसका नाम है सरल सफल नुस्खे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं और वैसे वैसे हमारे बॉडी पार्ट्स के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती जा रही है। जैसे कि आप आँखों को ही ले लो, पहले ज़माने में मुझे याद है जब मैं 20-25 साल का हुआ करता था तो किसी भी बच्चे के चश्मा नहीं लगा होता था। लेकिन अब आप सड़क पे निकल जाइए, अब आप किसी मॉल चले जाइए, आप देखेंगे अमीर बच्चों के बहुत ज़्यादा चश्मे ज़्यादा लगे हुए हैं, क्योंकि वो पूरे दिन टेबलेट के सामने, वो पूरे दिन मोबाइलों में लगे रहते हैं, नेचर से उनका वास्ता नहीं है, सब्जियाँ उनको खानी नहीं है। आई साइट की प्रॉब्लम्स ओवरऑल एवरेज पॉपुलेशन में बढ़ती जा रही हैं। तो आज इसी के लिए मैं आपके लिए एक नुस्खा लेकर आया हूँ। ये नुस्खा बहुत ही आसान है। इसका एक फ़ायदा ये है कि आप इसको पहले ही बहुत सारी मात्रा में बना के रख सकते हैं, और अगर आप इसको पहले बहुत सारी मात्रा में बना के रखेंगे तो आप इसको फिर लगातार 40 दिन तक ले सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बादाम। बादाम के फ़ायदे होते हैं आँखों के लिए कि इसमें विटामिन ई होता है, जिससे आई मसल्स को ये बहुत स्ट्रांग रखता है, आपको मोतियाबिंद या कैटरैक्ट है जो उससे बचाता है। उसके बाद हमको चाहिए कैरेट्स। कैरेट्स का हम जूस बनाएंगे, जो कि आपको शायद आता ही हो बनाना, तो इसलिए मैं आपको उसमें दिखा के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन कैरेट्स के अंदर विटामिन ए होता है, ये आपको आई इन्फेक्शन से बचाता है, और बहुत पुराने ज़माने से माना जाता है कि कैरेट्स लगातार खाने से आपकी आँखें अच्छी बनी रहेंगी। उसके अलावा आपको चाहिए सौंफ। सौंफ के अंदर क्लियर विजन रखने की ताकत होती है, यह आपको ग्लोकोमा से बचाता है। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, उसके अलावा आपको चाहिए चीनी। ये टेस्ट के अनुसार चाहिए, आप जितनी मर्जी डाल सकते हैं, मेरे को थोड़ा मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, तो अब हमको एक एक ये सब चीज़ें हैं जो ये 1:1:1 में लेनी है, और उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेना है हैंड ब्लेंडर से। तो सबसे पहले मैं 3 चम्मच बादाम लूँगा, एक चम्मच बादाम मैं मानूँगा 5 बादाम, एक चम्मच में 5 बादाम आ जाते हैं, तो 15 पीसेस बादाम के डालने हैं। ये हो गए अपने 15 बादाम। 3 चम्मच ही अपने को डालनी है सौंफ, 1 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच सौंफ, 2.5 चम्मच सौंफ, 3 चम्मच सौंफ और 3 चम्मच सौंफ। कैसा लगा मेरा मजाक? इसके बाद आपको डालना है 3 चम्मच चीनी के, जो कि आप अपने स्वाद अनुसार कम भी डाल सकते हैं, मुझे अच्छी लगती है चीनी इसलिए मैं ज़्यादा खाता हूँ। अब ये सब करने के बाद मैं इंग्रेडिएंट्स को हटा देता हूँ और आपको अच्छे से दिखाता हूँ कि इसको ग्राइंड कैसे करना है। इसके बाद मैं इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से ग्राइंड करूँगा। अगर आप घर में चाहें तो मिक्सी के छोटे वाले कप में भी इसको अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं और इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको ग्लास के कंटेनर में रखेंगे तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आपने इसको ग्राइंड करना है। तो लीजिए, हमारा मिक्सचर ग्राइंड हो गया है। अब मैं इस मिक्सचर को एक बोल में डाल लूँगा ताकि आपको अच्छे से दिख सके कि कितने छोटे छोटे पीसेस हमको होने हैं इसके। ये हमारा मिक्सचर है। आपको रोज़ सुबह इसको गाजर के जूस के साथ पीना है, क्योंकि आपको मैंने बेनिफिट्स बता ही दिए हैं। अगर आप इसको जूस के साथ 2 चम्मच लगातार 40 दिन तक पियेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी आंखों की हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। ये था हमारा नुस्खा। अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी आंखों की हेल्थ बनी रहे। और देखते रहें हमारा चैनल, जिसका नाम है सरल सफल नुस्खे। थैंक यू।